नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं मनीष कपूर। गोवर्धन की पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाया था। जानिए क्या है गोवर्धन पर्वत पूजा, पूजा विधि और क्या है इस दिन अन्नकूट का महत्व। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व है। इस साल गोवर्धन पूजा 28 अक्टूबर 2019 को मनाया जाएगा। इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति और मानव से है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन का त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस पर्व में गोवर्धन यानी गौ माता की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से कृष्ण जन्मभूमि या भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थलों में विशेष रूप से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह उठकर पूजा स्थल पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए। इस पर्वत पर श्रद्धापूर्वक अक्षत, चंदन, धूप, फूल आदि चढ़ाते हैं। इसके बाद पर्वत के सामने दीप जलाकर पकवानों के साथ श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पकवान जैसे गुड़ से बनी खीर, पूरी, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर गाय को खिलाना चाहिए और पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद खिलाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा से पहले ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एक साल ब्रजवासियों ने गाय की पूजा की और गाय के गोबर का पहाड़ बनाकर उसकी परिक्रमा की थी। तब से हर साल गाय की पूजा की जाने लगी। ऐसा करने पर भगवान इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने ब्रजवासियों को डराने के लिए पूरे ब्रज को बारिश के पानी जलमग्न कर दिया था। लोगों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत अपने एक उंगली पर उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को लगातार 7 दिनों तक पर्वत के नीचे शरण दी और उनके प्राणों की रक्षा की थी। भगवान इंद्र को जब पता चला कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब वह बहुत पछताए और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। इंद्र ने ब्रजवासियों को आज्ञा दी कि अब से हर साल वह इस पर्वत की पूजा करें और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाएं। तब से हर साल गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट हर घर में मनाया जाता है। तो ये थी गोवर्धन पूजा के बारे में कुछ जानकारी। बाकी की अपडेट्स सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक देखते रहिए इन खबर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।